नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग, आपका स्वागत है एक अमेजिंग वीडियो में। सो आज मैं आपके सामने फिर से आज को एक नई वीडियो लेके, जिसमें मैं ट्राई करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कुछ काफी ज्यादा अमेजिंग माइनक्राफ्ट हैक्स। क्या बात है। एंड गाइस, अगर आपने मेरी माइनक्राफ्ट हैक्स वाली प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। बड़ा हरामी हो बेटा। सारे हैक्स बनाने में बहुत ज्यादा इजी होने वाले हैं, एंड अगर कोई माइनक्राफ्ट को बिगनर भी है वो भी इन हैक्स को बड़े आराम से बना लेगा। सो अगर आप इन हैक्स को अपने माइनक्राफ्ट में बिना किसी दिक्कत के बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को फॉलो जरूर से करना। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो इस हैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सीजन लेना है एंड कुछ इस टाइप से 5x5 का फ्रेम तैयार करना है। इतना करने के बाद आपको कोई भी रैंडम ब्लॉक लेना है एंड उसे कुछ इस टाइप से लगा देना है। अब आपको सेम ब्लॉक की स्टेयर्स लेनी है एंड इन दोनों ब्लॉक पे लगा देनी है एंड ये कुछ इस टाइप का दिखना चाहिए। अब यही सेम चीज़ आपको उस साइड भी कर देनी है। इतना करने के बाद आपको एक ब्लॉक लेना है एंड यहाँ पे प्लेस कर देना है। अब आपको यहाँ पे दो ब्लॉक डिक करने हैं, यहाँ पे स्टिक पिस्टन रखना है एंड उसके ऊपर एक ब्लॉक रख देना है। अब आपको यहाँ पे कुछ ब्लॉक डिक करने हैं एंड इस टाइप से रेडस्टोन लगाना है एंड यहाँ पे एक लीवर लगा देना है। अब आपको फ्लिंट एंड स्टील लेनी है एंड इस नेदर पोर्टल को एक्टिवेट कर देना है। नाउ गाइस, हमारा ये हैक बनके रेडी हो चुका है एंड आप देख सकते हैं हमने बनाया क्रीपर फेस वाला नेदर पोर्टल, जो कि देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड गाइस, इसमें एक गेट भी है जिसको कि आप लीवर से कंट्रोल कर सकते हैं। सो इस हैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ ब्लॉक ब्रेक करने होंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर स्टिक पिस्टन प्लेस करना होगा, इसके आगे एक कोल्ड्रोन लगाना है। अब आपको इसके साइड वाली वॉल पे एक बटन लगाना है एंड अब आपको इसके पीछे चले जाना है एंड जहाँ पे अपने बटन लगाया था उसी ब्लॉक के पीछे आपको रेडस्टोन टॉर्च लगानी है। इसके बाद आपको नीचे रेडस्टोन लगाना है। अब आपको एक स्टेयर्स लेनी है एंड यहाँ पे प्लेस कर देनी है। अब आपको कुछ इस टाइप से ब्लॉक लगाने हैं। अब आपको वाटर बकेट लेनी है एंड यहाँ पे डाल देनी है। इतना करने के बाद आपका ये हैक बनकर रेडी हो चुका है एंड गाइस, आपको इस हैक से अनलिमिटेड वाटर मिलने वाला है। वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको ये वाले बटन दबाना है। बटन दबाने के बाद कोल्ड्रोन अंदर जाएगा एंड जब बाहर आएगा तो इसमें पानी भरा रहेगा, इससे अनलिमिटेड वाटर ले सकते हो। सो इस हैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक काफ़ी बड़ी वॉल बनानी है। वॉल बनाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ स्टेप से ब्लॉक लगाने हैं। अब आपने जहाँ जहाँ वाले ब्लॉक लगाए थे आपको वहाँ स्टिक पिस्टन लगा देने हैं। अब आपको स्टिक पिस्टन के साइड में स्टेयर्स लगानी है। इतना करने के बाद आपको इन स्टेयर्स को वापस से लेना है एंड कुछ स्टेप्स लगाना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स लगाने हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आइटम फ्रेम लगाना है, उसमें आपको कोई भी आइटम डाल देना है। अब आपको यहाँ पे एक कंपैरेटर प्लेस करना है। नेक्स्ट आपको रेडस्टोन लगाते हुए ऊपर तक चले जाना है। अब आपको यहाँ पे रेडस्टोन टॉर्च प्लेस करनी है एंड इसके ऊपर एक ब्लॉक लगा देना है एंड इस ब्लॉक के ऊपर आपको एक रेडस्टोन लगा देना है। इतना करने के बाद आपको इस ब्लॉक के सामने दो स्टिकी पिस्टन प्लेस करने हैं एंड आपको यहाँ पे एक छोटा सा रूम बना देना है। अब गाइस, आपको यहाँ पे पूरा कवर कर देना है। इतना करने के बाद आपका ये हैक बनकर रेडी हो जाएगा एंड इस हैक को यूज़ करने के लिए आपको आइटम फ्रेम के पास आना है एंड इसमें जो आइटम लगा है उस पर क्लिक करते जाना है। जैसे जैसे आप क्लिक करोगे एक एक स्टेयर बाहर आते जाएगी एंड लास्ट में आपका ये सीक्रेट डोर ओपन हो जाएगा। सो गाइस, उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड ऐसी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।